Question number 1. Find the 20th and nth terms of the GP 5 by 2, 5 by 4 and 5 by 8 dot dot dot. तो बच्चों आपको इस GP का 20th और nth term find करना है. तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए first term और R. यहां देख पा रहे हैं first term formula वो use करेंगे. First term बच्चों 5 by 2 कॉमन रेशियो चाहिए आपको R चाहिए तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो तो 5 by 4 डिवाइडेड बाय 5 by 2 5 by 4 और इसे लिख पाएंगे 2 by 5 भाई इसे ऐसे रखिए इसे उल्टा कर लीजिए ये कैंसिल हो गया बच्चों और इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं तो 1 upon 2 आ गया क्लियर 20 टर्म चाहिए आपको तो आप वो फार्मूला यूज करें वी हैव an इज इक्वल टू a टू द पावर a r to the power n minus 1 क्योंकि आपको 20 टर्म चाहिए तो a 20 a की वैल्यू बच्चों यहां 5 by 2 है r 1 upon 2 पता कर चुके और n को रिप्लेस करिए 20 से तो 20 minus 1 ओके okay? a 20 is equal to 5 by 2 और ये हो जाएगा तो 19 तो 1 by 2 whole power 19 अब बच्चों यहां 1 by 2 एक यहां भी है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 5 into 1 by 2 होल पावर 20 कैसे बच्चों भाई 5 को अलग कर ले तो 1 upon 2 यहां मिला यहां है यहां 19 टाइम्स है और यहां 1 टाइम है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा 5 into 1 upon 2 होल पावर 20 अब इसे सॉल्व नहीं करना ये बहुत बड़ी पावर है कोई फायदा है नहीं छोड़ दीजिए आप ऐसे एक और देख लेते हैं बच्चों आपको n टर्म फाइंड करना है an तो ये हो जाएगा a भाई यही फार्मूला यूज करेंगे मैंने वहां भी लिखा हुआ है वहां देख सकते हैं a की वैल्यू बच्चों आपके पास है 5 by 2 ओके और r है आपके पास 1 upon 2 और ये n minus 1 इसे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं 5 1 upon 2 1 by 20 होल पावर n minus 1 क्लियर हो पाया है ना 1 upon 2 यहां सिंगल टाइम है और यहां n minus 1 टाइम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 1 upon 2 होल पावर n और ये रहा आपका आंसर क्लियर है बच्चों को तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का